दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीडी अब आपके हाथ में। नमस्कार दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग लेकर आ गया है आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती। 40,000 पोस्ट के लिए एसएससी जीडी सरकारी पदों की घोषणा कर दी गई है। आइए बारी बारी से जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। और यहाँ पर फॉर्म भरने की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 5 सितंबर 9वें महीने 2024 से, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14 तारीख 10वें महीने 2024 तक है। यदि फॉर्म भरने में आपके द्वारा कोई गलती हो जाए तो उसकी तिथि 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 रात को 11 बजे तक है। और एग्ज़ाम डेट दे दी गई है जनवरी और फरवरी 2025 के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संभावित रिक्तियाँ दे दी गई हैं। 39,481 पोस्ट पर यह वैकेंसी होने वाली है, जिसमें कि पुरुषों की भर्ती 35,612 है एवं महिलाओं की 3,869 पोस्ट रहने वाली है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आयु के लिए गणना की तिथि 1/1/2025 रख दी गई है। 1 जनवरी 2025 को कैंडिडेट की आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। कैंडिडेट का जन्म 2/1/2002 से पहले तथा 1/1/2007 के बाद होना चाहिए। आयु की सीमा में एससी और एसटी उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की छूट यहां पर दी गई है। और यहां पर आपकी एजुकेशन के लिए ये जानकारी दे दी गई है। उम्मीदवार को 1 जनवरी 2025 तक या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट पर 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन के दिए गए हैं। यदि आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 5 नंबर आपको एनसीसी के सी सर्टिफिकेट पर दिए जाएंगे और एनसीसी के बी सर्टिफिकेट पर 3 नंबर दिए जाएंगे और ए सर्टिफिकेट पर 2 नंबर आपको यहाँ दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी एक विषय का चयन आप कर सकते हो जिसमें 20 क्वेश्चन 40 नंबर के यहाँ दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 80 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक होंगे। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रकार का होगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग 0.25% की जाएगी। यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि पेपर होने के बाद नंबरों का नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेल के लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन 5 किलोमीटर 24 मिनट में रखी गई है और फीमेल के लिए 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में यहाँ पर रखी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर एवं महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ हाइट रखी गई है और अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट्स अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मापता निर्धारित की गई है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए सीना 80 सेंटीमीटर रखा गया है और अधिकतम फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस बार फ्रेशर का उत्साह और अनुभवी लोगों का अनुभव जीडी निकलवाएगा, ये आप देख लेना। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर के लिए प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्रों का विकल्प देना होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानी से करना चाहिए और अपने आवेदन में इसका सही उल्लेख करना चाहिए।